प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है, लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की चेतावनी भी दे डाली है। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों से 1116 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 134 हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 18,000 हो चुकी है। मंगलवार की दोपहर तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,959 हो गई। राहत की बात यह है कि 12,317 लोगों ने कोरोना संक्रमण को हरा दिया है। अगर बिहार में पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1116 नए मामले सामने आए। अब तक सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पटना से मिले हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2097 हो गई है। इसके अलावा सिवान, भागलपुर, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, सारण, गया से भी मामले सामने आए हैं। बिहार में सबसे पहले भागलपुर और 10 जुलाई से पटना में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। अगले दिन कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। बताते चले कि राजधानी पटना समेत बिहार के 15 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। 15 जिलों में फिर से लगे लॉकडाउन के बाद भी 3 दिनों में 3,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं 10 से 13 जुलाई के बीच 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने के साथ ही संक्रमित जोन की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब इसकी कुल संख्या बढ़कर 90 हो गई है। पटना सिटी में 20 संक्रमित जोन हैं, जबकि पटना सदर में 34, दानापुर में 21, मसौढ़ी में 7, पालीगंज में 8 संक्रमित जोन हैं। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, लिहाजा आप भी लॉकडाउन का पालन करिए, तमाम गाइडलाइंस को मानिए। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।